हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए और बिहार एसएससी मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लगाते हैं यह 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने, नसरुद्दीन महमूद शाह ने, जयपुर के राजा सवाई सिंह ने। तो जंतर मंतर का निर्माण दिल्ली में जो स्थित है, इसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई सिंह ने करवाया था। तो इसका आंसर होगा डी, जयपुर के राजा सवाई सिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया था? 1724 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में, 1716 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में। तो जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट, दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर मंडल का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर मंडल का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। तो इसका आंसर क्या, निम्न में से किस शहर में मदरसा हौज खास स्थित है? मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद। तो आंसर होगा इसका दिल्ली, दिल्ली में मदरसा हौज खास स्थित है। नेक्स्ट, 1532 ईस्वी में दिल्ली के किस शासक ने मदरसा हौज खास की मरम्मत करवाई थी? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, हुमायूं ने। तो 1352 ईस्वी में दिल्ली के किस शासक ने मदरसा हौज खास की मरम्मत करवाई थी? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। निम्न में से किसको वास्तुकला का नगीना कहा जाता है? मदरसा हौज खास को, शेर मंडल को, अतगा खां के मकबरे को, लाल किले को। तो वास्तुकला का नगीना कहा जाता है अतगा खां के मकबरे को। नेक्स्ट, दिल्ली में अतगा खां का मकबरा निजामुद्दीन इलाके में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो इस मकबरे का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट, दिल्ली के किस मुगल शासक के शासनकाल में अतगा खां न्याय मंत्री था? नादिर शाह, शाह आलम, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो इसका आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट, दिल्ली में भूल भुलैया कहाँ स्थित है? चांदनी चौक, फतेहपुरी मस्जिद व लाहौरी गेट के बीच में, कुतुबा, कुतुब महरौली मार्ग पर, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली में भूल भुलैया कुतुब महरौली मार्ग पर स्थित है। दिल्ली में स्थित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कब हुआ? सफदरजंग के मकबरे का निर्माण 1553-54 ईस्वी में, 1750-51 ईस्वी में, 1740-41 ईस्वी में, 1759-60 ईस्वी में। तो सफदरजंग के मकबरे का निर्माण 1753 और 54 ईस्वी में हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई कब? 1913, 1911, 1915, 1914। तो इसका आंसर होगा 1911। 1912 ईस्वी में किसको दिल्ली में मुख्य वास्तुकार नियुक्त किया गया था? हर्बर्ट बेकर, सर डेविड अटर्नली, इडविन ल्यूटीन, लॉर्ड क्लाइव। तो 1912 में दिल्ली में मुख्य वास्तुकार एडविन ल्यूटीन था। तो आंसर होगा सी, इडविन ल्यूटीन। नेक्स्ट, 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली के सुसज्जित करने का दायित्व किसे दिया गया? इडविन ल्यूटीन, सर डेविड अटर्नली,
लॉर्ड क्लाइव हर्बर्ट बेकर, तो दिया गया इडविन ल्यूटियन को। संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1937 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो संपूर्ण दिल्ली का निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा था? 1665 ईस्वी में, 1652 ईस्वी में, 1655 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में। तो औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर 1658 ईस्वी में बैठा था। दिल्ली के किस शासक ने गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था। निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में, 1710 ईस्वी में, 1703 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। मराठा व शाह आलम के बीच पटपरगंज की लड़ाई कब हुई थी? 1996, 1809, 1803, 1885 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा सी, 1803 ईस्वी में हुआ था, मराठा व शाह आलम के बीच पटपरगंज की लड़ाई। नेक्स्ट, निम्न में से किस दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था? अहमद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम जीनत महल था। निम्न में से किसको ढंका बेगम की उपाधि मिली थी? नूरजहां, जीनत महल, रजिया सुल्तान, मुमताज। तो डंका बेगम की उपाधि यहाँ पर जीनत महल को मिली थी। हसन निजामी और फक ए मुदा बीर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो हसन निजामी और फक ए मुद बीर ये जो थे इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे। 1857 ईस्वी में हिंदू मुस्लिमों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी आवाज उठाई, उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, शाह आलम, अहमद शाह, बहादुर शाह जफर। तो उस समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह जफर था। 1857 ईस्वी में बहादुर शाह को और अंग्रेजों ने कैद करके किस जेल में भेजा जहां उसकी मृत्यु हो गई? रंगून, मुंबई, दिल्ली, लाहौर। तो उसको भेजा ए नंबर रंगून, और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली के किस शासक द्वारा दो गज जमी भी ना मिली कूचे ए यार में नामक कविता है? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, शाह आलम, औरंगजेब। तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर, आंसर बी। बुझा है चिराग ए दिल्ली, दिल्ली के लिए ऐसा किसने कहा था? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, दिल्ली वासियों ने, इनमें से कोई नहीं।
तो बुझा है चिराग ए दिल्ली के लिए, ऐसा कहा था दिल्ली वासियों ने। दिल्ली का प्रथम रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर था लॉर्ड वेलेजली, इडविन ल्यूटियन, सर डेविड अटर्नली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, सर डेविड अटर्नली। दिल्ली का पहला शहर था तुगलकाबाद, सीरी, राय पिथौरा, फिरोजाबाद। तो दिल्ली का पहला शहर था राय पिथौरा, आंसर होगा सी। दिल्ली इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र किस काल में रहा है? मध्यकाल में, आधुनिक काल में, प्राचीन काल में, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली जो है इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र मध्यकाल में रहा है, तो आंसर होगा ए। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? विग्रहराज, जयचंद, जयपाल, पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1913 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में प्रस्तावित हुआ था कि स्थान प्रस्तावित हुआ था, और 1912 ईस्वी में इसका राजधानी स्थानांतरित हुआ था कलकत्ता से दिल्ली। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, शाह आलम, अहमद शाह, नादिर शाह। तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। दिल्ली से मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा लूट कर पर्सिया ले जाने वाला कौन था? नादिर शाह, शाह आलम, अहमद शाह, इमाद। तो दिल्ली से मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा नादिर शाह ने लूट कर पर्सिया ले गया था, तो नादिर शाह था यह शासक। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? ब्यास, सतलज, यमुना, मंदाकिनी। तो दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली में शिक्षा के लिए मदरसा इमुज्जी किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो मदरसा इमुज्जी इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली में मुज्जी कॉलेज किसके शासनकाल में खोला गया था? हुमायूं, औरंगजेब, इल्तुतमिश, बाबर। तो दिल्ली में मुज्जी कॉलेज इल्तुतमिश के शासनकाल में खोला गया था। मुगल काल में सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो दिल्ली में सबसे पहले मदरसे का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। दिल्ली के पुराने किले के पश्चिम में माहम अंगा के एक मदरसे का निर्माण कब करवाया गया था? 1526, 1561, 1515, 1597। तो इस मदरसे का निर्माण 1561 ईस्वी में करवाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास एक शाही कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी, जो 1857 में नष्ट हो गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो इसका आंसर होगा शाहजहां ने करवाया था। मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा? शाह आलम, अहमद शाह, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा
मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अहमद शाह को किसने कैद कर लिया था? बहादुर शाह जफर ने, शाह आलम ने, उसके वजीर इमाद ने, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका, अहमद शाह को उसके वजीर इमाद ने कैद कर लिया था। सी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन, दौलत खां, खिज्र खां। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर नसरुद्दीन बैठता है। तो आंसर होगा बी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 713 ईस्वी में, 714 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम योद्धा है और वह 712 ईस्वी में वह आक्रमण करता है। तो प्रथम मुस्लिम है जो कि भारत पर आक्रमण करता है। तो क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी, 712 ईस्वी। बाबरनामा किसने लिखा है? हुमायूं, अकबर, हमीदा बानो, बाबर। तो बाबरनामा लिखा है बाबर ने, खुद ही अपना बायोग्राफी लिखा है बाबरनामा। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी है? शाहजहां, नूर जहां, अकबर, जहांगीर। तो तुजुक ए जहांगीरी खुद से जहांगीर ने लिखा है। दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1650 ईस्वी, 1645 ईस्वी, 1666 ईस्वी, 1655 ईस्वी। दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई था। दिल्ली राज्य में यमुना नदी किस गांव में प्रवेश करती है? जैतपुर, पाला गांव, रामपुर, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली राज्य में यमुना नदी पाला गांव में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे भवन का निर्माण करवाया। जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला इत्यादि। नेक्स्ट, दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1953, अगस्त 1955, मई 1958, जनवरी 1951। तो दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 को हुआ था। तो आंसर होगा ए। आई होप आप लोगों को यह एमसीक्यू पसंद आया होगा। मैं इस तरह के एमसीक्यू लेकर के आते रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार विजिट करते रहिए। आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन और हिस्ट्री के क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।